गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज किसी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बढ़ता है या घटता है, या टॉप टू बॉटम जाने पर कैसे आपका चेंजेस इसमें होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि एटॉमिक साइज किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। तो वो दो बातें होती हैं, पहला होता है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे आपका एटॉमिक साइज को आपका प्रभावित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज, जैसे नाम से ही आपका स्पष्ट है कि न्यूक्लियर चार्ज का अर्थ होगा कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है। और आप जानते हैं न्यूक्लियस पे कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब इससे होता क्या है ये देखते हैं। सपोज करिए ये एक न्यूक्लियस है जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है आपका। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तेजी से खींचना शुरू कर देगा। तो और इससे बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। तो जब हम एटॉमिक साइज पढ़ते हैं तो इस न्यूक्लियर चार्ज की जगह पर हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी हिंदी में इसे बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखते हैं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा जो ये इलेक्ट्रॉनों पर लगाता है। तो जरा सा इस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इस केस में जब एक अंदर के शेल पे इलेक्ट्रॉन है और एक बाहर के शेल पर इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस जो करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिपल कर देगा। इसी चीज को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भी पढ़ चुके हैं कि ये जब बाहर की ओर रिपल्सन फोर्स लगाता है इसमें, तो यानी ये इसको क्या करता है, स्क्रीन करता है या शील्ड करता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या फील करेगा कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको जरा सा कम फील होगा। क्यों, क्योंकि इस पर अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर रहा है, एक रिपल्सन फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो ये फील करेगा, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, तो वो क्या होगा, कुछ कम होगा जितना इसकी एब्सेंस में इस पे लगना चाहिए। और यही चीज हमारी क्या कहलाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाती है। तो आशा करता हूं कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हुआ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इस पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था, इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर नहीं लग पा रहा है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इस नाभिक के चार्ज को, ये नाभिक के चार्ज को उतना ज्यादा फील नहीं कर पा रहा है। तो जो हमारा एटॉमिक साइज होता है ये आपका न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज जो किसी भी एटम का होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर चार्ज के। यानी कि जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम
एटॉमिक साइज होगा, जिसमें जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एटम उतना छोटा होते हुए जाएगा। तो चलिए अब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि कैसे किसी पीरियड में या किसी ग्रुप में एटॉमिक साइज में आपका चेंजेस आते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं किसी भी पीरियड में यानी आवर्त में, किसी भी पीरियड में पीरियड्स क्या होते हैं, जो कि आपकी क्या होती हैं, सैंतीस रेखाएं होती हैं, जो आपको बताया गया था पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त कि सात आवर्त तो आपके होते हैं। तो जब आप इनमें बाएं से दाएं जाएंगे तो कैसे एटॉमिक साइज आपकी चेंज होगी। तो जब भी आप किसी भी आवर्त में आगे की ओर जाएं, जैसे हम थर्ड आवर्त ही ले लेते हैं, थर्ड आवर्त के एलिमेंट आपको मालूम होंगे, सोडियम Na, Mg, फिर P ब्लॉक के आ जाते हैं Al, Si, P, S, Ca। इस ढंग से आप ये आपका जो थर्ड पीरियड है इसको हम देखते हैं। तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक साइज कैसा होगा, क्या परिवर्तित होगा, एक जनरल सा आइडिया लेते हुए आप सोचेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, इसका 15 है, इसका 16 है और इसका 17 है। तो यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। ये एक कॉमन सा एक बच्चे के दिमाग में आता है कि एटम्स में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है। तो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखेंगे तो आप जरा सा देखिए, इसका 1s2 2s2 से करना चाहे या 2-8-1 बोरबरी के रूल से करना चाहे, यानी कि इसमें तीसरे सेल में सोडियम में तीसरे सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि मैग्नीशियम में 2-8-2 इसमें भी तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यदि आप क्लोरीन को देखें इसमें तो 2-8-7 इसमें भी तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि तीसरे सेल की नाभिक से जो दूरी होगी वो बराबर होगी। यानी अब एक आइडिया आपके दिमाग में यह आएगा, क्योंकि किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जा रहे हैं और एक ही शेल में जा रहे हैं और नाभिक से शेल की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तो इन सबका साइज समान होना चाहिए। पहला प्रिडक्शन था कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़े क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा प्रिडक्शन ये है वो तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि एक ही शेल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या कहेंगे कि भाई एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे तो साइज सबका बराबर होना चाहिए, और यहीं पर काम आता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि ये एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल है। अब आप देखिए कि जैसे जैसे यहां पर प्रोटोनों की संख्या, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहा है, आपका बढ़ते हुए जा रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इसका इन इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो क्या होते जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। यानी कि जब भी किसी आवर्त में आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में प्रवेश करते हैं, एक ही क्वांटम संख्या के कोशों में प्रवेश करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो शेल्स होंगे यानी आउटर मोस्ट सेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इसीलिए अब हमारा जो बिल्कुल पक्का जो राय बन रही है वो ये बन रही है कि जब भी हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम संख्या के कोश में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और आउटर मोस्ट सेल जो बाह्य कोश है वो क्या हो जा रहे हैं, इस फोर्स से क्या हो जा रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर किसी भी जो पीरियड में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो एलिमेंट यानी तत्वों का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इस बात को आप नोट कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब आपका हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो किस प्रकार एटॉमिक साइज आपकी बढ़ेंगे अथवा घटेंगे। तो इसके लिए हम
पहला ही ले लेते हैं एच एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर, जो हमारा फर्स्ट ए है यानी पहला ग्रुप है हमारा, इसी को लेके चलते हैं। तो जब आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एक, इस लिथियम का तीन, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इसमें 18 जोड़ दिए रुबिडियम का आ जाएगा। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जब आप ग्रुप में पहले तत्व को देख रहे हैं, इसमें पहला ही शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर इस दूसरे वाले में दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तीसरे वाले में तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चौथे वाले में आपका चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यानी कि जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो एक एडिशनल सेल आपका लगते जा रहा है। यानी इसमें पहला शेल था, इसमें दूसरे में, इसमें तीसरे में, इसमें चौथे में। अब यहां पर क्या प्रोडक्शन होगा, यहां पर होगा कि जैसे 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 आप टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं, भले ही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्यों, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेल ऐड होने के कारण, एक एक्स्ट्रा सेल होने के कारण, ऐड होने के कारण लगातार ऐड हो रहा है, तो जिससे इन इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आपका जो आकार है वो बढ़ेगा। पीरियड्स में जो आकार आपका घट रहा है, इसमें कई जगह पर आपको काफी असमानताएं दिखेंगी, कुछ एक्सेप्शंस भी दिखेंगे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और इस वीडियो में हमारा ये रहा कि एटॉमिक साइज, हमारा एटॉमिक साइज किसी भी पीरियड में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, और किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करेगा। थैंक यू।